स्वास्थ्य और सौंदर्य के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाय पीने के बारे में। रात की खुमारी तोड़ने वाली सुबह की चाय केवल सुबह ही नहीं बल्कि दिन में 4 से 5 बार सहज से पी जाती है। आगंतुक का स्वागत हो या शादी विवाह का औपचारिक शिष्टाचार, सभी चाय बिना सुने हैं। सत्कार का सबसे बड़ा जरिया चाय को ही माना जाता है। चाय पीने से लाभ हो या ना हो, लेकिन सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों का इस पर एक ही मत है कि चाय लाभ की तुलना में दुगनी हानिकारक होती है। चाय में पाए जाने वाले 3 तत्व टेनिन, कैफीन तथा यूरिक एसिड शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। टेनिन तथा यूरिक एसिड जहां पाचन क्रिया को शिथिल करता है, वहीं कैफीन उत्तेजक होने के कारण खून का दौरा तीव्र करके नींद तथा थकान को तोड़ता है, जिसके कारण समुचित नींद के अभाव में दिमागी रोगों का जन्म होता है। टेनिन तत्व के प्रभाव से आमाशय एवं आंतों के कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चाय के 1 कप में लगभग 1 ग्राम कैफीन पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति दिन में 4-5 बार चाय पीता है तो प्रतिदिन 4-5 ग्राम की मात्रा में कैफीन नामक जहर उसके पेट में पहुंच जाता है। इससे जल्दी ही वह व्यक्ति नाड़ी दुर्बलता, भूख न लगना, कपकपी महसूस करना तथा इंद्रियों का निष्क्रिय हो जाने जैसे स्वास्थ्य दुर्बलता का शिकार हो जाता है। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। खाली पेट चाय पीने से पाचन शक्ति खराब हो जाती है। चाय पेशाब में यूरिक एसिड बढ़ाती है। यूरिक एसिड के बढ़ने से गठिया, जोड़ों की सूजन आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनिद्रा के रोगी और डिप्रेशन के मरीजों के लिए ज्यादा चाय हानिकारक होती है, क्योंकि चाय पीने से नींद में कमी आती है। अधिक चाय पीने से हृदय की धड़कन बढ़ती है और हृदय की बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो पुरुष दिन में 4 से 5 कप चाय पीते हैं, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। चाय पीने से रक्त क्षीणता बढ़ती है तथा यकृत कमजोर हो जाता है। चाय के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कोशिश करें कि खाली पेट कभी चाय न पिए। चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता अवश्य ले लेना चाहिए। चाय को अधिक गर्म या बड़े बड़े घूंट भरकर पीना भी हानि पहुंचा सकता है। चाय पीने से कोई लाभ नहीं है बल्कि कई गुना अधिक हानियां हैं। इसलिए सेहत की रक्षा के लिए जरूरी है कि आप चाय से परहेज करें। आज के इस वीडियो में आपने चाय पीने के दुष्परिणाम के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।